ये फ्रेंड्स सुबह का नाश्ता है। 6:30 हो रहे हैं और आज हम कुछ प्लान है आज हमारा, इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बस आज जो है ये सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं बच्चा, हम नहा रहे हैं, हम सब नहा चुके हैं, बस अब नाश्ता करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। और फ्रेंड्स 6:30 हो रहे हैं, हमने नाश्ता कर लिया और नहा धो के हम एकदम रेडी हैं क्योंकि अब छुट्टियां खत्म हैं, तो सिर्फ अब 2 दिन 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए एक ट्रिप पे जा रहे हैं सैटरडे संडे। तो बस फ्रेंड्स जहां जाएंगे जो करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली बस थोड़ा बिजी रहे कुछ ना कुछ काम में, और वो फिर हमजा की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस फ्रेंड्स आज जो है अभी हम लोग निकल रहे हैं इसी टाइम, मम्मी और फारूक हमारे साथ जा रहे हैं, अपनी कार से हम लोग ट्रेवल करेंगे। तो बस फ्रेंड्स अभी निकलते हैं, वहाँ जो जहाँ जा रहे हैं वहाँ जो जो करेंगे जैसे करेंगे वो सब आपको तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे वहीं। तो फाइनली नोएडा पहुँच गए, हम निकल गए थे हम घर से 7:30 और आरिफ फारूक की गोद में सो रहे हैं मम्मी, सब लोग बैठे हैं आराम से, थोड़ा लेट हो गए अपने टारगेट से आधा घंटा, किस कदर उछल रही कार, थोड़े से लेट हो रहे हैं बट इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे। ये देखिए भाई फ्रेंड्स आरिज भी हमारे साथ है छोटे छोटे से। हाँ हेलो गाइस, और जब आप ट्रेवल करने निकलो कभी कुछ, अब फाइनली हमारी कार में जो है पंचर हो गया है। तो फ्रेंड पौने दस हो गए और हम पहला स्टे हमने किया है एक शिवा ढाबा पे, बच्चे कुछ चाय वगैरह पियेंगे और वॉशरूम वगैरह भी जाना है इनको। तो बस ज़रा पहले चलते हैं। ये अलीजा मम्मी गए, मम्मी नानी मम्मी गए, ये नानी मम्मी हमारी सो रहे हैं फारूक की गोद में। और फ्रेंड्स ये है मेरा ट्रैवल लुक, अलीजा एंड हमजा। तो बस अभी रेस्टोरेंट आए कुछ खा लेते हैं। फ्रेंड्स ये आ गए हमारा आलू पराठा, हमजा भी आलू पराठा खा रहे हैं। मक्खन देखिए काना काना कैसे मक्खन खा रहा है चम्मच से। और ये फारूक भी पनीर पराठा, मम्मी खा रही है आलू पराठा और आरिज भी आलू पराठा, अलीजा खा रही है आज सैंडविच। तो हमारा दिन शुरू हुआ एक ब्रेड से और एक पराठे से। बस फिर सब अपना अपना खाना जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं, सबकी चाय आ गई, मेरी भी कुल्हड़ वाली चाय आ गई है। अभी अलीजा को मिल गया है उसका फेवरेट पार्लर आइसक्रीम। और फ्रेंड्स हमारे दिल्ली से निकलते ही क्या मौसम हो गया शानदार, और आगे तो कहीं लग रहा है बारिश भी हो रही है। हेलो मम्मी, हम निकले बाहर और बारिश शुरू दिल्ली में, ठंडी हवा चल रही है एकदम बढ़िया। और ये देखिए इतनी बढ़िया हवा चल रही है, मौसम इतना शानदार हो गया है, और मतलब हम अगर बारिश आगे तो हो रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तो हम पहुँचे ही नहीं अपनी मंजिल पर, तो शायद अभी हमें 2-2.5 घंटे और लगेंगे पहुँचने में, 2.5 या 3 घंटे बस इसके बाद। ये देखिए फारूक फुल मस्ती में चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स क्या खूबसूरत जगह, हम पहुंच गए हैं कहाँ हमजा, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। और तुम भी बोलो जिम कॉर्बेट। अब हम बस अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, तो अभी 10 मिनट लगेंगे। और तो फ्रेंड्स ये पहुंच गए हम अपने रिजॉर्ट में। तो ये फ्रेंड्स एंट्री है हमारे रिजॉर्ट की। ओ माय गॉड यहाँ पे तो आम भी आ रहे हैं, कितने सारे कच्चे आम लगे हुए हैं पेड़ पे, लदे हुए हैं बिल्कुल। अलीजा नानी मम्मी की मदद करो, उनको कुछ उतारना हो सामान। सो हैप्पी, हाँ वो आ गए, क्लैपिंग हो रही है, हैप्पी। सो हैप्पी, ये आ गई हमारी वेलकम ड्रिंक। कैसी है? ठीक है, ऑरेंज है, लाइक इट? हमारा डिलाइट आ गया। आई लाइक इट, आई लाइक इट। फ्रेंड्स यहाँ के इस तरह कुछ है, ये प्रॉपर्टी बहुत शानदार है विदेश की। यहाँ हम सबसे पहली बार आए थे, उसके बाद हम लोगों को बहुत कम हुआ कि 2-3 बार हम आ चुके जिम कॉर्बेट, लेकिन यहाँ हमेशा बुकिंग होती थी, सोल्ड आउट होते थे सब रूम। और ये कुछ इस तरह है बना हुआ, वाओ। ये जो हेलो बोल दो सबका, हैप्पी। आम देखो कितने सारे लग रहे हैं,
हेलो अरे से हेलो नहीं ये फ्रेंड्स फारूक का रूम है, फारूक एंड मम्मी का रूम। इसकी एंट्री कुछ इस तरह है, काफी बड़ा रूम है, स्पेस काफी है ज्यादा। ये चाय है कैसा, और ये है, ये इनका बेडरूम है। यस, बहुत शानदार है। और ये बाहर से गार्डन है। ये बाहर से गार्डन है पूरा। फ्रेंड्स एक्चुअली हमारा रूम जो है अभी रेडी हो रहा है और हम फारूक के रूम में अभी रुके हैं 10-15 मिनट, क्योंकि वो कोई अभी रूम जो है सफाई वगैरह हो रही है उसकी, तो अभी हम फारूक के रूम में आ गए। तो बस यहाँ से मैंने आपको दिखाया फारूक का रूम, अपना रूम में जब शिफ्ट होंगे तो मैं अपने रूम भी दिखाऊंगी आपको। ये है फारूक का वॉशरूम, ये नहाने वाला एरिया, वाओ ये सिटिंग एरिया, बाथटब एंड आई थिंक सो ये अलमीरा होगी। यस, हटो हटो हटो। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से एंटर हुए, ये इनका डाइनिंग एरिया है। और बुफे सिस्टम है, क्या खाना लगा हुआ है चलिए देखते हैं कि क्या क्या खाने के लिए अवेलेबल है। इस वक्त 3 बज रहे हैं क्योंकि हम लेट हो गए, लंच टाइम बहुत पहले था, लेकिन फिर भी चलो अभी है टाइम, हम लंच कर लेते हैं। ये शायद मुझे स्वीट्स है, कोकोनट फुलके कुछ है, लौकी का हलवा, नवरत्र पुलाव, ये तुम खा सकती हो, ये वैसी है स्टीम राइस, थापा पनीर, कश्मीरी दाल, वाह ये होगी दाल मखनी, लजीज आटेदार कोफ्ता, शाही पनीर, वेज किलन सूप, और ये सैलेड आइटम है, पाइन एप्पल सैलेड, ये दुश्मन, ये सब सैलेड है। मैंने शुरू बात की आम पन्ना से और सब लंच कर रहे हैं यहाँ पर। मम्मी को मैंने ला के दिया है पाइन एप्पल सैलेड, ये दाल एंड चावल, रुको एक मिनट, मम्मी को ला के दिया मैंने दाल चावल। और आज हमजा सुबह से किशन कन्हैया बने हुए हैं, मक्खन पे मक्खन खा रहे हैं। अलीजा आप क्या खा रहे हैं बेटू? कॉर्न, स्वीट कॉर्न ब्रेड एंड सलाद। गुड, हेलो। और बस लंच सबका चल रहा है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, चिकन का बस, मैं चिकन का कुछ खाती हूँ। चिकन ठीक है। हाँ, ये है फ्रेंड्स हमारे रूम की एंट्री, सेम फारूक रूम के जैसे ही रूम हमारा भी है, हमारा वॉशरूम। और ये अब हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उठ के जाएंगे यहाँ से कहीं बाहर स्विमिंग करने, जो करना है बच्चों को। मम्मी ये खड़ी है मेरा रूम का मुआयना कर रही है, आइए मम्मी पधारी है मेरे घर में बैठी है। आओ। तो फ्रेंड्स मैं उठ गई हूँ 6:30 हो रहे हैं, आधा घंटा मुश्किल से सोई हूँ। और हमजा और अलीजा स्विमिंग करी है फारूक के साथ, स्विमिंग पूल में थे लोग, ये पूरी दोपहर बस मस्ती करते रहे। फिर 4:30 तो गए थे लोग स्विमिंग में, स्विमिंग पूल में, बस अब स्विमिंग करके आ गए लोग। अब ज़रा हम जा रहे हैं, हम उठ गए तो थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या है क्या है सब चीज़ें, पहले चाय पी लेते हैं पहले फिर चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स 6:30 रहे हैं और हम लोग जो है वापस आ गए हैं यहाँ पर, टी टाइम है यहाँ पर। और ये हमारी कुल्हड़ चाय, और फारूक बहुत कुछ कुछ लिया है, पता नहीं केक्स बिस्किट्स एंड ऑल। तुमने स्विमिंग करी? अरे खुश हो गया था, नहीं तो पानी में अकेले छोड़ दिया था। कॉन्फिडेंस बन जाए तो बनाना भाई। नहीं मतलब साथ साथ घूम रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या खा रही हो? निकलने को मिला सैंडविच, और हम खा रहे हैं केक, चाय, मैं चाय पी लेती हूँ। जाके टाइम चल रहा है हम लोगों का। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका यहाँ का व्यू है, ये सब पहाड़ है, इतना खूबसूरत। और ये रिवर व्यू है इसका, देखिए कितना खूबसूरत है। उधर कुछ शादी वादी हो रही है शायद। फ्रेंड्स अलीजा कहीं भी आए कुछ नया ना करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हम रामनगर आए हैं जिम कॉवर्ट से वापस, क्योंकि अलीजा साहिबा ने अपनी एक ही चप्पल लाई थी वो भी तोड़ दी। तब हम यहाँ पे एक रिलैक्सो का शोरूम दिखा हमें, स्पार्क्स का भी है, तो हम जरा अलीजा के लिए घर के पहनने के लिए चप्पल ले लेते हैं, बाथरूम स्लीपर शायद मिल जाए। तो बस ये हम आ गए अलीजा के लिए चप्पल लेने के लिए। अलीजा देखो बेटू गर्ल्स की, देखी देखो जल्दी, ये है ना स्पार्क्स की, इनमें से ले लो कोई भी जो तुम्हें अच्छी लगे जल्दी से ले लो। हाँ। तो फ्रेंड्स अलीजा ने चप्पल ले लिया, दिखाओ जरा घर जाके, वहाँ जाके दिखा दे।
ये हम आए हैं जिम कॉर्बेट से रामनगर, यहाँ पे हमने शॉपिंग कर ली, अलीजा की चप्पल मिल गई है और आरिस बम्मी एंड हम जो कार में बैठे हैं। आरिस हेलो, ये देखिए क्या कर रही है मॉम। आरिस हेलो, आरिस दोबारा दिखाओ। अब फारूक की सर्च लाइट खरीद रहे हैं यहाँ से, इनको जानवर देख रहे हैं यहाँ पे सारे अंधेरे में। क्या हुआ सर्च लाइट अपनी? वाओ, ये फारूक ने कितनी बड़ी खरीदी है। क्या प्राइस है इसका फारूक? ये हमें पड़ी है 1300 की, होता है 1100 की। दिखाओ ऊपर मार के। ओ ये कुछ नजर ऊपर से ऐसे नजर नहीं, अभी रोशनी है ना, यहाँ अंधेरे में नजर आएगा तेज। लेजर है, अंधेरे में ही दिखेगा, है ना, अंधेरे में ही दिखेगा इसका। हाँ फ्रेंड, एसी चल रहा है तो इसलिए मेरे सर में दर्द हो जाता है बहुत तेज। हेलो, कितना मजा करके हम सर्च लाइट पे। हाँ फ्रेंड्स, अब जो है 9:30 बजे हम वापस रिजॉर्ट पे आ गए। यहाँ पे तो 9:30 बजे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सारी दुनिया सो गई है और जंगल ही जंगल पूरे आस पास है, अंधेरा एकदम से। मतलब यहाँ की वाइब्स ना बहुत अच्छी लगती है मुझे, सुकून एकदम, है ना मम्मी? मतलब ऐसा जैसा जैसे दिल्ली में एकदम भीड़ भड़ाका रहता है, किसी भी टाइम निकल जाओ, यहाँ की वाइब्स ही अलग है। बहुत मज़ा आता है यहाँ, सुकून एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो बस फ्रेंड्स पहुँच गए हैं, अब यहाँ पे डिनर टाइम हो चुका है, 10 बजे तक का टाइम होता है डिनर का। तो चलते हैं, पहले डिनर करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखिए हमजा यहाँ पे फ्रिज में, हम कोल्ड ड्रिंक लाए खरीद के, सेटिंग कर रहे हैं हमजा फ्रिज में, सब रख देना। चॉकलेट्स भी लाए, चॉकलेट्स भी इसमें रखो, कितनी मेल्ट हो गई चॉकलेट्स तो सारी। चलो रख दो। रात का व्यू देखिए रिजॉर्ट का, इतना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। थक गई है, थक गई है, आप आराम से प्रॉपर सो जाइएगा, जैसे सुबह फ्री हूँ एकदम। हम आप अगर वापस चल रहे तो बस खाना खाने डिनर करने आ गए हम लोग यहाँ पर। ये सब में यहाँ पर ये सैलेड आइटम है, रायता और चटनीज एंड ऑल। ये है पंजाबी पनीर मसाला, सब्जी दीवानी हांडी पता नहीं क्या, कुछ कुछ समथिंग सब्जी का है। ये है दाल बुखारा राइस, दिस इज वेज थाई करी, नूडल्स और ये राइस। ये रस मलाई है, मीठे में रस मलाई, चॉकलेट ट्रफल केक है और ये शानदार सी पेस्ट्रीज हैं। करते हैं हम चिकन सूप से और ये है टमाटो सूप। स्विमिंग पूल अब खाली हुआ है, रात को सब खाना वाना खा के अपने रूम में चले गए। अंदर अभी हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं फ्रेंड्स, अंदर बहुत भीड़ हो रही है। अभी थोड़ा कोई टेबल चेयर खाली होगी तो लंच डिनर करेंगे हम लोग। हमारी टेबल लग गई, मम्मी ने कॉर्न सैलेड खा रही है, चिकन एंड रायता, आरिस खाना फिनिश कर चुके हैं। फारूक क्या ले आया तुमने? आई हैव पनीर, दाल मखनी, सैलेड, चिकन तंदूरी मसाला एंड वेडिंग फॉर फुलका, वेडिंग एंड फुलका। और हमदा भी, हमदा आपको दाल चाहिए पापा? नहीं, अलीजा भी रोटी का वेट कर रही है। ये फ्रेंड्स दाल मखनी है, तो फ्रेंड्स ये सब है और ये मैं हूँ। फ्रेंड्स ये है अलीजा की कलरफुल प्लेट और टाइप की पेस्ट्रीज, ये चॉकलेट पेस्ट्री और ये हमदा खा कर चले गए खाना और आरिस की मस्ती चल रही है। तो डिनर कंप्लीट। फारूक खा लिया आपने अच्छे से? कुछ और चाहिए आपको? ओके okay. देखिए अंधेरे में नजर भी नहीं आ रहा हूँ। लाइट जला दो। किसकी? वो जलाओ ना तुम, फ्लैश लाइट किसकी लाए हो? ये देख बैठो, ये सब झूले में बैठ, चालान कटाने बोला है झूला झूल रहे हैं सब लोग, खाना खा चुके हैं अब इनका झूला चल रहा है। आओ चल। देखिए लोग जद्दोजहद में लग गए लाइट वाइट मार के कि कहीं कुछ जानवर दिख जाए, क्योंकि नदी के उस पार सब कुछ पूरा जंगल ही जंगल है। तो ये लोग अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि शायद कुछ जानवर दिख जाए। और हमजा मम्मी और आरिज यहाँ बैठे हुए हैं।
तो फ्रेंड्स 12 बज रहे हैं, हम लोग ने खाना खाया, खाना खाकर बस जो है थोड़ा सा वॉक करा और उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा सा टाइगर ढूंढने की कोशिश करी जंगल में, पर कुछ नहीं मिला। तो बस फ्रेंड्स अब जो है हम सो रहे हैं क्योंकि बहुत थक गई हूँ मैं। दोपहर मैंने सोने की कोशिश की, 10-15 मिनट आधा घंटा सोई होंगी, फिर मेरे सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो गया था। तो बस फ्रेंड्स अब जो है पूरा दिन आज हम जो है जिम कॉर्बेट आ गए थे सुबह सुबह। ये प्रोग्राम हमारा अचानक से बना जिम कॉर्बेट आने का। तो बस अब क्योंकि 2 दिन के लिए प्लान ही बना है, ज़्यादा दिन का प्लान भी नहीं हमारा। तो बस जो आज पूरा दिन किया सब आपके साथ शेयर किया, और इंशाल्लाह कल हम सफारी पे जाएंगे तो वो भी आपको ब्लॉग ज़रूर डालूंगी मैं, दिखाऊंगी क्या किया हमने वहाँ पर। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, और जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, मेरी ट्रिप अच्छी लग रही है मेरे वो वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, और जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।